जैसे कि आप सभी को पता है कि यदि आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, बैंक का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी का, बैंक का, पुलिस फोर्स का, दिल्ली पुलिस का, यूपी पुलिस का, या किसी भी प्रकार का कोई भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ खास और कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं जो कि आप सभी के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, एसएससी हो, बैंक हो, सेल हो, सीआरपीएफ हो, आरपीएफ हो, सीआरपीएफ, जेएसएससी हो, बीएसएससी हो, एचएसएससी हो, या किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जामिनेशन है। तो यहाँ पर कुछ हम आपके लिए क्वेश्चन पेपर लाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, और विथ आंसर के साथ यहाँ पर लाए हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना देरी किए हुए, और आपको बताते हैं कि आज का सेक्शन में क्या रखा हुआ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर है, कोयले से प्राप्त एक उत्पाद जिसका उपयोग पेट पेंट विस्फोटकों को और प्लास्टिक के निर्माण में शुरुआती सामग्री के लिए किया जाता है, वह क्या कहलाता है? आंसर होगा तारकोल। अगला क्वेश्चन है, बावरी क्या है? तो बावरी जो है जल इकट्ठा करने का एक पारंपरिक क्या है, प्रोसेस है, तरीका है। अगला क्वेश्चन है, मेढकों में कार्यांतरण के लिए सबसे जिम्मेदार हार्मोन क्या है? थायरोकिसन, थायरोक्सिन या कुछ और? तो इसका आंसर होगा थायरोक्सिन। अगला क्वेश्चन दी गई है यहाँ पर, जो नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन है, तार में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर होगा तार की लंबाई धातु की प्राकृतिक और उसकी मोटाई पर। अगला क्वेश्चन है, अस्टोमेटा या अरंद पत्तियों की तरह पर बने लघु छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से पौधे ग्रहण करते हैं, वह क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर होगा कार्बन। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण दहन के दौरान गैस स्टोव बर्नर में उत्पन्न हुई लोह का रंग क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा नीला। अगला क्वेश्चन है, लाल रुधिर कोशिकाओं में लाल रंग का वर्णक पाया जाता है जो क्या कहलाता है? आंसर होगा हीमोग्लोबिन। आइए अगला क्वेश्चन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी तरंगों को संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो सही आंसर होगा प्रकाश तरंग। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आपको देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, बिजली के बल्ब में तंतु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए एक गैर अभिक्रियाशील गैस भरी जाती है, इस गैस का क्या नाम है? आंसर होगा आर्गन। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा का माप क्या कहलाता है? सही आंसर होगा आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज के कार्य करने का सिद्धांत है कि वह बहुत बहुत जल्द गर्म हो जाता है और वह क्या होता है, पिघल भी जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम का एक उदाहरण है जो इसके कारण उत्पन्न होता है, इसका सही आंसर होगा प्रकाश का परिक्षेपण। यह जो थे कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। यह क्वेश्चन आपको कैसे लगे नीचे आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। यह भी किसी भी एग्जामिनेशन में आपका पूछेंगे, यदि आप किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जामिनेशन तैयारी करने जा रहे तो इन सारे क्वेश्चन को आप अवश्य पढ़ के जाएँ, इसी में से कुछ क्वेश्चन आएंगे। इसके आगे का पार्ट आपको कितना जल्दी चाहिए नीचे कमेंट लिख कर जरूर बताएँ। तो फिर मिलते हैं कोई एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।